नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि इस फील्ड में क्या करियर है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी जॉब है जिनको करने इसके बाद हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। तो इस फील्ड में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज भी जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं उनके बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बिजनेस में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश यानी भारत देश में एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं यह हमारा प्राइमरी सेक्टर भी है और यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जाकर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर के जो भी जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे तीन ऐसे कोर्सेज की, तो एक है डिप्लोमा कोर्सेज, एक है यूजी कोर्सेज और एक है पीजी कोर्सेज। तो आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से डिप्लोमा कर सकते हैं, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें आप बीएससी करेंगे और आप पीजी भी करेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेज हैं। तो इसके अंदर अपने प्राइवेट कॉलेज और इसके साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जिसे आप अपना जो अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पीजी कोर्सेज वो कर सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप अपना दाखिला लेना चाहते हैं तो इसके लिए अलग अलग जो टेस्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको वो टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा जो इंडिया का टेस्ट है वो होता है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यह टेस्ट है, आप इसको क्वालिफाई करके आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी के टेट जो यूपी का अपना इंट्रेंस टेस्ट है, इसके अलावा एमपी का है। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो अलग अलग स्टेट भी करवाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो अगर आपने 12th में PCM, PCB और एग्रीकल्चर से पास किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सेरीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज हैं जिसमें आप अंडर ग्रेजुएशन में आप लोगों को ये पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर। यह एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन है वो 4 ईयर रहेगी। तो आप BSc एग्रीकल्चर करोगे, इसके बाद में दूसरा कोर्स है BTech इन एग्रीकल्चर, BBA इन एग्रीकल्चर, BEd इन एग्रीकल्चर। ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की, तो MSc इन एग्रीकल्चर, MBA इन एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी इन कोर्सेज से कर सकते हैं और अपना फ्यूचर है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं और एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हो तो ये एक प्राइवेट उद्यमी बनके भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में भी अपना एडमिशन वो करवा सकते हैं और अपना फ्यूचर है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो क्या क्या गवर्नमेंट जॉब है वो जो आपको मिलेगी। तो इसमें आप बैंकिंग की, इंश्योरेंस, FCI, IFCO आदि जो प्राइवेट कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, जो अच्छा खासा आपको पैकेज देती हैं, तो आप इनके अंदर भी अपनी जॉब है, जॉब लोकेशन है वो पा सकते हैं। इसके अलावा जनरल कंपटीशन की बात करें तो UPSC, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, ये भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हुए भी आप ये सब जनरल कंपटीशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो सीड कंपनी में काम कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग में और पोल्ट्री फार्म में भी आप अपना काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे इस वीडियो में रिसर्च के सेक्टर में, तो आप अपना जैसे PG कोर्सेज कर लिया, उसके बाद PhD कर ली, उसके बाद आप रिसर्च ऑफिसर भी बन सकते हो। इसके अलावा बैंक की जो जॉब्स हैं जैसे फील्ड ऑफिसर हो गई, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गई, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गई, तो ये अच्छी गवर्नमेंट जो रेपुटेड जॉब हैं इसमें भी आप कर सकते हो और रिसर्च के में भी आप आसानी से अपना काम है वो कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्योंकि आजकल जैसे जैसे जनसंख्या का आबादी बढ़ रही है तो वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी भी एग्रीकल्चर के अंदर है वो बन रही है। इसके अलावा आप पोल्ट्री फार्म हो गया, डेयरी फार्म हो गया, वो खुद का यानी खुद का बिजनेस है वो भी आप कर सकते हो डिग्री लेने के बाद में।
तो इसके अलावा आप ये सभी कोर्सेज करके या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काम करके या खुद एक एंटरप्रेन्योर बन के भी देश के अंदर और अपने समाज के अंदर अपना खुद का नाम है वो कमा सकते हैं और साथ में अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे रोज़गार मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आपको रोज़गार है वो तो डेफिनेटली 100% मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।